काकीनाडा जो रुचि का फैक्ट्री है, जिसके लिए मैंने बोला कि अभी तक रुचि एक फैक्ट्री थी, अब वो एक पूजा स्थल, एक देवालय बन गया है। क्योंकि पतंजलि जो कुछ भी प्राप्त करता है प्रॉफिट के रूप में, वो चैरिटी के लिए है। तो ये रुचि का जो मंदिर है, जो आपके देह रूपी मंदिर के लिए अलग अलग प्रकार के तेल बनाते हैं, और उसमें नेचुरल ऑयल के अलावा रिफाइंड ऑयल होते हैं, चाहे वो पाम ऑयल है, चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे वो सोयाबीन है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। उन इम्प्योरिटीज़ को उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वैक्सीन आदि होते हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको हटाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाते हैं। और यद्यपि ये दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना 2002 का बना हुआ यूनिट है, तो भी इसको अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करते हैं, तो जा कर के ये इतना बड़ा प्लांट जो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरा प्लांट का आउटर व्यू है, और यहाँ पर लैब है हर जगह पर, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप सोचिए कि लगभग 18 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। ऐसे रुचि सोया की देश में 22 यूनिट्स हैं, जिससे कि एडिबल ऑयल फील्ड में देश का सबसे बड़ा ब्रांड यदि है, साउथ में रुचि गोल्ड है, फिर अलग अलग जगह कहीं रुचि गोल्ड है, कहीं पर फिर सनफ्लावर का हमारा यहाँ पर जो ब्रांड है सनरिच है, महाकोश है, और न्यूट्रीला है। ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के साथ में ये देश का एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा ब्रांड है रुचि। देश को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए तीन काम बड़ा करना पड़ेगा। पाम प्लांटेशन, दूसरा सोया का बहुत, सोयाबीन का बहुत खेती बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरा सन। ये करीब 90-95% हमको बाहर से जो तेल और एडिबल ऑयल आता है
जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए देश का बाहर जाता है। 1.5 लाख करोड़, हाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए बाहर जाता है। उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ये 12 एकड़ का फार्म है हमारे मरनी साईराम जी, ये मरनी साईराम जी हैं, यहाँ के फार्मर हैं और इनके फादर हैं राजा राव जी। और आपका ये 12 एकड़ का, ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं जो होने वाले हैं किसान, उनका स्टेट का पूरा जिम्मे संभालते हैं। क्या नाम है? रामा रेड्डी जी। और सेक्रेटरी आपके? ये इसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिले का प्रेसिडेंट मुजी बाबू जी। तो ये थोड़ा सा शेप इसका जो पौधे का है तो थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसा फ्रूट होता है। इसको तोड़ते कैसे हैं फिर? बंच एक निकाल के फ्रंट और बाद में कट करते हैं ये। अच्छा, पूरा रेड होने के बाद। अच्छा, रेड होने ये हुआ। निकाल रहे पूछ रहे ऐसा ऐसा रेड होने अच्छा ट्री। इसको चीटी लेके ऐसे काटते हैं जी, पहले इसको निकालते हैं, बाद में बंच आ जाएगा, पूरा बंच आ जाएगा। और ये रेड है, ये वाला है, रैपिन हो गया अभी हार्वेस्ट करने के लिए। अब ये एक कट करके हमारा इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर में हम प्लांट को। और ये थोड़ा थोड़ा कम रेड है, वो अलग है, ये अलग ब्रीड है, ये ब्रीड अलग है। फिर ये है, ये जो कट करने के नीचे जो गिरते हैं वो पूरा लेते हैं स्वामी जी। ये हाँ, इसमें तेल ऐसे ऊपर में आ रहा है, ऊपर वाला इसमें। अच्छा, तेल ऊपर आता है? हाँ, ये वाला जो कट करे तो ये जो है ना सीपीओ। हाँ, ये हाँ, ये तेल है। इसके ऊपर भी तेल है, अंदर भी तेल, दोनों तरीके। तो ऊपर वाला जो तेल है वो जो है उसको पाम ऑयल बोलते हैं, पामोलिन बोलते हैं। जो अंदर जो तेल होता है कैनल तेल, कैनल ऑयल बोलते हैं उसको। ये एकदम नारियल तेल जैसा होता है। तो दरअसल पाम ऑयल के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिथ भी है। मैं भी इसको पहले ऐसा सोचता था कि ये जो पाम है ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको यदि पूरा डीपली देखेंगे तो इसमें भी अभी कई क्वालिटी बनने लग गया है। अभी तो इसका भी पीछे मलेशिया से लोग आए थे, हाँ, वो दिखा रहे थे उसमें इधर कल्टिवेशन है वो तो बोल के बोला था, फिर भी अभी पूरा हम अच्छा कल्टिवेट को मलेशिया के ज़्यादा हम कल्टिवेट करें। हाँ नहीं, और वो बोलता था कि इसका भी जो है वर्जिन क्वालिटी का, इसका भी ऑयल बनाने का टेक्नोलॉजी है, अभी अभी आगे विकसित कर रहे। और इसका जो सीड है उसका ऑयल, ऐसे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सीड का भी जो ऑयल है वो खाते हैं, लेकिन लोग उसको नारियल तेल में मिक्स करते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर्टी माने उसके जो पूरा अंदर का उसका जो फूड वैल्यू है पूरा, वो पूरा का पूरा नारियल तेल जैसा ही जैसे है। और ऐसे झाड़ भी नारियल तेल, ये तो एक ही प्रजाति है ना? हाँ, एक ही फैमिली है समझिए। तो फैमिली क्या फैमिली बोलते हैं उसको? पाम फैमिली, पाम फैमिली पूरा। तो नारियल और जो ताड़ी, ताड़ी सब, ये सब एक ही फैमिली। तो चाचा ताऊ है सभी, चाचा ताऊ। ये कितने साल का हो गया? ये 7.5 से 8 years स्वामी जी, 7 से 8 साल का हुआ है। और ऐसे 25 साल तक चलता है? 25 साल तक। तो ये 25 साल तक चलता है। और इसको यदि देश में, अब ये करीब 2 लाख हेक्टेयर में है, उसमें रुचि जो कर रहा है वो करीब 50,000 हेक्टेयर में कर रहा है। बाकी माने करीब करीब जो है 25% जो शेयर है वो रुचि का है। इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, यदि 20 लाख हेक्टेयर के अंदर, 20 लाख में हेक्टेयर हम कल्टीवेशन करें तो पूरा आत्मनिर्भर देश हो जाए। अब बताओ, ऐसा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और इसमें ऐसा बहुत कम भी पैदावार नहीं होता है, माने इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिर रख रखाव की जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तो सावधानी रखना पड़ता है, तो भी अच्छा अच्छा पैदावार हो जाए तो 40 से 50 हज़ार भी
कमा सकते हैं। रूट्स जो है इधर रहेगा, जो बड़ा होने के बाद पूरे 3 मीटर जो इधर फटले से जो नीचे पानी इधर से लेता, उधर से नहीं लेता, थोड़ा दूर से लेता है, इधर से लेता। हम जो एप्लीकेशन जो न्यूट्रिएंट्स करते हैं इधर से यहाँ करते हैं। अब इसको तो ऑर्गेनिक पे भी लेके आ रहे हैं पूरा जो है। स्वामी जी जो फ्रांड को कट करते हैं ना, बंच हमारा फैक्ट्री चले जाएगा, जो पत्थर ये पूरा स्मास पर कट करके इधर ही चला जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर पूरा रिसाइकिल हो रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर से इसको फर्टिलाइज करना वो ज़्यादा अच्छा है जी, कर रहे हैं। उससे लैंड के लिए भी अच्छा है और ट्री के लिए भी अच्छा। इसको चाप कटर लेके टोटा टोटा कर रहे हैं। हाँ, उसके हिसाब से पानी भी कम लग जाता है। हाँ, गर्मी भी ज्यादा नहीं लगता, 2-3% और इसको पाम को कैसा टेम्परेचर चाहिए? ज़्यादा ठंड में भी नहीं होता। टेक्निकल का ऐसे बोलते हैं स्वामी जी, 18 से 30 डिग्रीज तक हम इधर कल्टीवेट कर रहा है। -13 डिग्रीज टू अप टू 50 डिग्रीज तक आंध्र में टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाएगा, फिर भी ये सस्टेन हो गया। जनरल टेंडेंसी अप टू 30-35 डिग्रीज होंगी। तो आप यहाँ यहाँ मैक्सिमम कितना चला जाता है? 45-50 तक भी चल अभी। और नीचे नीचे इधर तो ज्यादा नहीं है, दूसरा जगह 30 इधर अब वैसे 18 जैसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में उधर एक 8 to 10 degrees डाउन। लेकिन 5 डिग्री होगा तो नहीं चलेगा ना? ऐसे नहीं स्वामी, जो ग्रोथ है वो हिसाब से नहीं आया जाएगा। हाँ। फल तो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ। इधर इफेक्ट नहीं है, क्यों बोलते हमारे फार्मर पूरा देखभाल। कोस्टल एरिया में तो बहुत अच्छा हो सकता है ना, असल में अभी तो सक्सेस तो आ गया हमारा। कभी पहले एक ही जमीन था, अभी दूसरा जमीन भी आ रहा है, ब्लैक सॉइल भी आ रहा है और रेड सॉइल भी आ रहा है। लेकिन कोस्टल एरिया कोई इसमें ये गारंटी ये तो नहीं है सर। हाँ। कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। साइल का और सॉइल क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी पानी होना, सॉइल क्वालिटी, वाटर, पानी जरूरत है। हाँ, पानी पूरा होना चाहिए, सॉइल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 10-15 चलेगा। 18 to 36। लेकिन मलेशियन टेम्परेचर के हिसाब से 35 डिग्रीज मैक्सिमम है। हाँ। लेकिन वहाँ का रेनफेड के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। लेकिन कल्टीवेशन हमारा पानी चाहिए तो 45 डिग्रीज तक तो चलेगा। हाँ, चलेगा। और जी इसमें गर्मी का टाइम में भी ज्यादा फायदा होता है। हाँ। मई जून में पीक सीजन है, पीक सीजन मई जून में ज्यादा आता है जी। अभी तो मलेशिया से भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा फार्मर्स उसके ज्यादा लेके आ रहे हैं। ये बीच में नारियल भी लगाया है पूरा, नहीं उनका घर का खेत में बचा हुआ होगा ना। फ्रूट है जी जी, इसको 48 आवर्स में प्लांट में ले जाना जरूरी है जी। तो 48 आवर्स में जाता है तो तेल अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, नहीं तो FFA लेवल बढ़ जाएगा इसका, एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। वहाँ पर इसका क्रशिंग का भी यूनिट लगाना जरूरी होता है, नजदीक में होना चाहिए। हाँ, नजदीक में होना चाहिए कि 48 आवर्स में पहुँच जाए। 100 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में होना चाहिए। तो ऐसा इसी तरह का अरेंजमेंट है, इसलिए रुचि ने जहाँ पर प्लांट प्लांटेशन कराया वहां क्रशिंग यूनिट भी साथ में लगी। क्या नाम है? सिदंबरेश्वर राव जी। आपका तो बड़ा 30 एकड़ का है। Yeah, very big. ये 30 एकड़ का पूरा फार्म है। और इसमें तो ये पथरीली मिट्टी है तो भी हो जाता है। ये करना है मल्चिंग अच्छा करे तो मॉइस्चर कंटेंट। तो ऐसा देखो, इधर रेतीला जमीन मिट्टी है, इसमें पत्थर बहुत है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा प्लांटेशन हो रहा है। ये 1 साल 10 महीना हुआ, अभी लगभग 2 साल होने जा रहा है, तो भी बहुत अच्छा प्लांटेशन है। क्या बात है, वेरी गुड। ये वाला जो है ना, अभी अपना फ्लावर छोटा फ्लावर आते ये टाइम हम निकालते वाला। हाँ। निकाले तो गर्त बढ़ जाएगा। हाँ। तो बाद में 30 महीने के बाद फल आ जाएगा। अब 30 महीने के बाद हम छोड़ेंगे,
फल पहले पहले निकाल के छोटा आयत निकाल के रखेंगे तो उससे अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा ग्रोथ हो जाएगा बाद में सफिशिएंट। बचपन में बच्चे नहीं करते चाइल्डहुड में चिल्ड्रन इसको इसको तोड़ देते हैं, अब निकालते हैं। हाँ, उधर के छोटा सा बंच है वो भी निकाल लेते हैं। वाटर कंजर्वेशन थोड़ा थोड़ा पानी में ड्रिप इरिगेशन होता है, पूरा थोड़ा पानी में गुजारा हो जाता है। यदि आप गन्ना बोते हैं, यदि आप पैडी बोते हैं, राइस राइस और शुगर कैन आप बोते हैं, और इवन वीट वीट में थोड़ा कम, राइस में शुगर कैन में और ज़्यादा, इतना पानी लगता है, ये तो थोड़े से पानी में फार्म हो जाता है, ये भी उस दृष्टि से अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू। हाँ, अभी इसको बहुत बढ़ाना है। ये भाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं लेकिन एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर में आप अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। तो मैं बोलता था ऑर्गेनिक वो होना चाहिए, गोमाता गोमाता तो गोमाता का गोबर से डाला इसने, और इसका फिर पत्ता आता उसको भी काट क्रश करके डाल देते हैं तो उसका भी खाद बन जाता है। तुम्हारा कितना साल का हो गया ये? रामकृष्ण कितना साल का हो गया पेड़ ये? अभी 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पेड़ पहले वाला छोटा था वो 6-7 साल का था, ये 10 साल, ये 10 साल का हो गया है। हाँ, तो इसको जब बड़ा हो जाता है तो आदमी चढ़ता कैसे है? नहीं नहीं, वो पाइप से लेते हैं, उसको इससे करेगा। देख लीजिए, इसका जो तुम जो रेट देते हो तो इसका जो डंडा है वो भी तो उसमें आता है, डंडा कट करके लेके आते हैं, कट करके लेके आते हैं। थोड़ा बैठिए, कोई कोई ऐसे लगा देते बट फिर हम बोलते रहते फार्मर्स को कट वो बीच में लग जाएगा जी, नहीं तो क्या कर, तो वो तेल निकाल के बाहर चले जाएगा, वो स्पीज वो रबर जैसा रहता है स्पंज जैसा, वो तेल पकड़ के बाहर निकल जाएगा, इसमें हम फार्मर साइड नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं फार्मर बोलते रहेंगे वो पूरा कट करके लेके आओ बोलते रहेंगे। स्वामी जी छोटा वाला है तो इतना 5 मीटर रहता, वो ऐसे कट करते, बड़ा लोग टेलीस्कोप रहते जो बड़ा होते क्या और भी टेलीस्कोप रहते, अपने घर में बनाते डंडे से, ये पूरा हम इम्पोर्ट करते हैं स्वामी जी, पूरा इम्पोर्ट करके फार्मर सप्लाई करते हैं, पूरा लाइफ हल्का है, हल्का है, इम्पोर्ट करके हम फार्मर देते हैं। रुचि तो इसमें सब्सिडी दे रही थी फार्मर, तो ये हल्का है बहुत, और ऊपर का जो है वो भी ऊपर से बोल करते बट हम क्वालिटी वाले उधर से लेते। ये क्या है? टाइटेनियम, टाइटेनियम का हालो हालो, तो इसीलिए अच्छा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत बहुत लाइट वेट है, तो उठा के देखा तो कोई वजन ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। आपका 100 एकड़ कहाँ पर? आपका जस्ट 10 किलोमीटर तो इनका 100 एकड़ है। बहुत अच्छी बात, बहुत प्रोग्रेस है परमेश्वर स्वामी जी। क्या नाम है? लच्छे दोरा, लच्छे दोरा बोलते हैं, तो दोरा जी को 100 एकड़ का। और रामकृष्णा का, मेरा बचपन का नाम रामकृष्णा, तो इसका भी रामकृष्णा का कितना एकड़ है? 7 एकड़ का। बहुत अच्छा, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। रवि लक्ष्मी का भी 50 एकड़ का फार्म है इसका। बहुत अच्छा, अब ये तो इसको तो बहुत आगे फ्यूचर बहुत अच्छा करना है इसका, बहुत अच्छा कर रहा है। ये ऑर्गेनिक भी फार्मिंग कर रहे हैं ये फार्म का पूरा, तो ये अच्छी बात है कि धरती माता भी बचेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, और जो जिसको प्रोडक्ट मिलेगा उसको ज़्यादा हेल्दी। तो ये रुचि सोया का नर्सरी है यहाँ, इधर हम लोग पाम प्लांटेशन के लिए नर्सरी करते हैं, और ये काफ़ी बड़ा नर्सरी है, अच्छा है, और इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी है, तो ये
बहुत अच्छा नर्सरी है इधर, और इसको जैसे राजस्थान में ये फव्वारे से खेती करते हैं तो इसको ऊपर से पानी दे देते हैं, कितने दिन में तैयार हो जाता है इसका नीचे सीड से? सीड से जो है तुम 12 महीने के बाद भी देंगे, 12 महीने ग्रो करके 15 महीने को 18 महीने को हम फार्मर 12 से 15 महीने में फिर किसान को दे देते हैं पूरा, और सारा इसके अंदर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है इसका नर्सरी तैयार करने में, फार्मर को 10 ही रुपये का देते हैं, 10 रुपये। और इसका लागत कितना लग जाता है एक पौधे के ऊपर? अराउंड 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, करीब 100 रुपये इसका लागत लग जाता है, तो बहुत अच्छा है। रुचि के पास जो करीब 50,000 हेक्टर लैंड के अंदर पाम प्लांटेशन, उसमें करीब 33 हेक्टर वो आंध्रा में है, और उसमें करीब 100 ऐसा कलेक्शन सेंटर है, यहाँ इंफॉर्मेशन भी मिलता है सारा पाम प्लांटेशन के बारे में, और ऐसे ये सीड कलेक्शन करके फार्मर अपने खेत से ऐसे लेके आते हैं अलग अलग जगह से, और फिर ये उधर रुचि का प्लांट में ऐसे जाता है। इसका भी इन्होंने बढ़िया टेक्निकल, इतना भारी एक बंच है उसको एक स्टिक से डाल करके उठाते, उठा ऐसे, क्या बात है। कितना आता है एक ट्रक में? 17 टन। अरे स्वामी जी, ये वाला अभी बताएंगे ना, ये ऊपर वाला जो सीपीओ आते हैं, ये शेल है, इसमें कर्नल है। हाँ, ये जो कर्नल ऑयल बोल रहे थे, अकड़ा पूरा इसके अंदर का जो बीज है, इसमें ऑयल निकलता है, कितना परसेंट निकलता है? ये ऊपर का 18% का था ऑयल, एक टन के लिए, एक 100 किलो में कितना ऑयल निकलता है? 17 से 18 कि जो है ये तो ऑयल निकल जाता है इसके अंदर, और ये जो अंदर वाले में कितना ये कितना परसेंट तक आ जाएगा? ये नहीं, 100 केजी में ये कितना निकल? 2 केजी ओनली 2 केजी निकलता है, और इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, वो नारियल से भी ज़्यादा अच्छा मेडिसिनल वैल्यू। अभी तक इसको लोग आइसक्रीम में और उसमें सब में डालते हैं लोग। एक एक का वेट कितना हो जाता है? 25 से 30 किलो तक इसका एक एक का वेट हो जाता है। क्या बात, बढ़ोतरी उसको ज्यादा। ये तो 40 की ये भी मोटा है, 45-50 तक ऐसा करीब 100 कलेक्शन सेंटर्स है रुचि का। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा करे हो सब लोग। पटने से तो पाम के लिए बना है नागार्जुन, अच्छा एक्सक्लूसिव पर इसके लिए पाम है, स्पेशल बनाया, स्पेशल बनाया। पहले क्या करता तो पटले से नहीं मिलता था एम्बो फेसेस को, वो पूरा मिला के एक ही मेथड में हम दे रहा स्वामी जी, ओल एक्सक्लूसिव रुचि, दूसरा कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं करा। फिफ्टीन एकर्स के अंदर पहले 30 ईयर्स का पूरा दूसरा पाम हो गया था, बड़ा वो बड़ी वो सब झाड़ निकाल दिया है, सब निकाल के और अभी नया झाड़ लगा रहे हैं, ऐसा था वन प्लांट का बना हुआ है, और अभी नया लगा ये मैंने नहीं लगा। ओ पूषा विश्वेद
इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। आपका खेत सबसे अच्छा हो, खूब बढ़िया हो। काकीनाडा का ईस्ट गोदावरी का पेद्दापुरम का जगह है ये, और उसमें यहाँ पर एक ही साथ ये बड़ा वाला नर्सरी है जो किसान इसको अभी लगाने के लिए पूरा तैयार है। इसका छोटा नर्सरी आगे भी दिखाएंगे, और इधर ये पूरा प्लांटेशन भी है। बड़ा होने पर ऐसा होता है, तो इसका एक साथ छोटा नर्सरी, बड़ा नर्सरी, पूरा फार्म का एक पूरा एग्जीबिशन भी, लाइव एग्जीबिशन हो गया है चीज़ों को देखने करने के लिए। और इसमें पूरा क्रशिंग यूनिट भी है जहाँ पर ऑयल निकालते हैं और फार्म बनाते हैं। यहाँ से सारा सीड अंदर जाता है, अंदर जाता अंदर वो ढक्कन खोले तो कन्वेयर कन्वेयर क्यों कन्वेयर से होता है वो डाइजेस्टिव अंदर जाता है केजेस के लिए। ऑक्सीजन में भी इतना आता ही रहता है। हाँ सर, ऑक्सीजन में जी कितना है। ये पूरा खुल गया, ये पूछे जो फ्रूट है ना वो फ्रूट इसमें कन्वे से आके ये केजेस जो है ना उसमें आ जाएगा। वो जो खड़ा है वो झुक जाता है ऐसे, ये चारों अंदर चले जाएगा, इसके अंदर ही अंदर कुक हो जाता है, अंदर अंदर कुक हो जाता है। फिर इसका जो झाड़ झंकार है वो अलग हो जाएगा। इधर कन्वे रखा है पूरा, ये कुक होने के बाद तो कन्वेयर से एक स्किपर बोल के रहता है, स्किपर में क्या करता है ये फ्रूट सेट अलग चलता है, एम्प्टी बंचेस अलग चलते हैं। हाँ, वो एम्प्टी बंचेस में उसमें ऑयल भी रहते, वो अलग से हम प्रेस करते, जो फ्रूट है ये ऊपर वाला वो भी एक डाइजेस्टर बोल के प्रेस करते, प्रेस करने के बाद पेस्ट हो जाएगा। और पिन टू स्क्रूज स्क्रूज है, इसमें से नट अलग हो जाएगा, ऊपर का जो विश्वकॉर्प है वो उससे सी पी ओ आ जाएगा नीचे, और फाइबर अलग चले जाएगा। वो नट दूसरे जगह पे क्रैक होके नट अलग हो जाएगा, कर्नल अलग हो जाएगा, कर्नल से अगर आप क्रश करें तो ऑयल अलग हो जाएगा, केक अलग हो जाएगा। कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसमें कितना चला जाता है अंदर? दो चार चार स्वामी जी, चार एंड अप, टू एंड अप, टू एंड अप, टू एंड अप, 45 टन्स। इसे कंटिन्यूस प्रोसेस, ये अंदर चले जाएगा, इसका जो उधर चले जाएगा, बाय द टाइम ये प्रोसेस दैट ये रेडी हो जाएगा। फिर ये वापस किधर से आएगा? उधर से, उधर से रेलवे ट्रैक नीचे से। अभी ये किलो होने का बाद आफ्टर डिलीवरिंग दैट वो इधर ऐसे आ जाएगा, इधर फिलअप करके वो ट्रांसफर कर पुनः वापस आए, एक सर्किल जैसा। ये आगे कहाँ से आता है वापस? ये ट्रांसफर कर दिया स्वामी जी, जो है ना इन बिटवीन, ये जो है ये उधर तक जाएगा, ये केज इधर जाके ऐसे वापस आएगा। अच्छा, वो फिर वो इधर से वो ऐसे फैल जाता है? हाँ, इधर से जाके वापस इधर से आ जाएगा स्वामी जी। हाँ हाँ, रैंप से इधर आके वापस। ये बड़ा बस
आज अभी ऐसे कर दी। बाकी जो इसका फाइबर बच जाता है उसका क्या करते हैं? सर फाइबर पूरा हम बॉयलर में यूज करते हैं, नट भी बॉयलर एंड ये वाला शेडेड फाइबर भी बॉयलर यूज करते हैं। बॉयलर में बॉयलर और कुछ भी वेस्ट नहीं स्वामी जी, पूरा यूज है। हाँ। नो वेस्ट। क्या है ये? वर्जिन पाम ऑयल बोलते भी हैज अ लॉट ऑफ आप बोल रहे हैं स्वामी जी, तो वी विल गेट दिस हाई प्राइस इन मलेशिया 600-700 स्मॉल बॉटल। तो इसको ड्रिंक लाइक अ विटामिन। हां इसको वर्जिन पाम ऑयल करके भी अपन लॉन्च करना है। जो बोलते हैं कि भाई जो है ये पाम ऑयल जो है हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो क्या कारण बोलते हैं? बेसिकली क्या बोलते स्वामी जी, पहले ये जो पाम ऑयल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द डिपोज गवर्नमेंट एजेंसीज, वो माइंड सेट ऐसी हो गई ये लो पीपल का पुअर पीपल का ऑयल, दैट इज गिवन अ बैड मैसेज। अदरवाइज इट हैज गॉट लॉट ऑफ गुड प्रॉपर्टीज। पाम ऑयल में मतलब एज ए प्रॉपर्टी मगर इसका इंग्रेडिएंट्स, इनका एक्टिव कंपोनेंट्स कोई कम नहीं स्वामी जी। और सेल्फ लाइफ का जो स्नैक्स बनाते हैं इसमें सेल्फ लाइफ से मच मच बेटर देन एनी अदर ऑयल्स, इवन ग्राउंडनट सीजन इसमें आप फ्राई करो तो चिप्स और भजिया कुछ भी उसका जो कॉटन सीड है उसका थोड़ा सा अच्छा रहता है। नो स्वामी जी ये पूरा सेल्फ लाइफ यही चीज इसका ज्यादा अच्छा है। इसका ज्यादा इज द बेस्ट फ्राइंग ऑयल, एडिबल है ना? या देखो इट्स नॉट बैड। सब कंटेनर अभी अंदर चला गया है, चारों का चार कंटेनर। इसके अंदर 2 आवर्स इसके अंदर उसको स्टीम देगा, स्टीम देने के बाद में उसका ऑयल निकल जाएगा और उसके बाद में आगे जाता है, उसका बंच अलग हो जाएगा, फाइबर अलग हो जाएगा, फ्रूट्स अलग हो जाएगा। अलग हो गया अभी थोड़े से स्वामी जी, बट पूरा अंदर के ऊपर करेगा, इधर तो वॉट एवर पॉसिबल होगी बट 100% ऊपर। फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर करने जाता है, उधर स्किपिंग बोल करे तो वो सेपरेट करते हैं। कन्वेयर से ऊपर जाता है पूरा, ये कन्वेयर है। इतना आसान नहीं है तेल निकालना। ये स्किपर है जो फूटा उधर आ गई, ये राउंड कमा के फ्रूट टेंच नीचे गिर गया, एम्टी बंच उधर चले जाएगा। ओ। जो फ्रूट इसको तेजी से घुमाते हैं तो घुमाते रहे तो फ्रूट वो नीचे उतर जाए वो इधर से और वो बंच इधर आ जाएगा। फ्रूट निकालने के बाद ऐसे एम्टी बंच ये खाली बंच इधर से चला जाएगा, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो भी नहीं, आप उधर एक टेक्नोलॉजी रखा है उधर से तेल निकाल देंगे। छोड़ते नहीं है जो फ्रूट बंच इधर चले गया ऐसा तेल नीचे चला गया, ये वो जो अंदर कोकोनट जैसा ऐसा तेल नीचे चला जाएगा अभी इस प्रोसेसिंग से। ये नट अलग हो जाएगा, फाइबर ये 2% होता है इसमें, ये 5% होता है, ये कट करने के बाद कर्नल का 5% होता है, ये पूरा 10%। अच्छा 10% 10% कर्नल हो जाएगा, वो 5% हम क्रश करें तो 2% ऑयल आ जाएगा और 3% केक, माने 17% ऑयल, 10% कर्नल, 50% फिर इसके अंदर कर्नल गिरी उसका कर्नल कोकोनट कर्नल अंदर का कोकोनट और उसका 2% ऑयल बट आप एफएपी बेस में लिए तो 2%। अभी जो हम एफएपी बेस में 17 टन एक टन के लिए 180 केजेस आ रहा, ये तो दांत से तो कटता भी नहीं है, सेम हार्ड नट है। हाँ मैं तोड़ के देखा, ट्राई किया है कर्नल वीकेंड, ओ ये कट करने को दिखाऊंगा स्वामी जी। हाँ दांत से कट नहीं होता है। तो यहाँ से वो नट अलग होगा, ये कर्नल इधर आ गया पूरा। हाँ यह पूरा पूरा साफ करके कर्नल अलग हो जाएगा और ये
ये क्रश कर दिया, ये पूरा फ्यूल के लिए। ओ अब इस पे ये सेपरेट हो जाएगा, नीचे नीचे सिस्टम पे ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये बीज है ना वो भी अलग हो जाएगा। इसका टेस्ट तो कॉम्पोनेंट जैसा ही है, तो ये बड़ी मेहनत से ये बीज अलग किया जाता है। इसका तो टेस्ट, इसका कलर और टेस्ट जो है पका हुआ खोपड़े जैसा होता है। इसमें पूरा ड्राई करते हैं ये, इसके इतना अंदर मोटा बीज होता है। हाँ, ओ इसलिए बोल रहे थे 17-17% इसमें ऑयल होता है, ये 10% ये इसका बीज होता है अंदर का कर्नल, इसके अंदर का ये होता है। फिर ये रहा, ये तो इसको तो दो तरह से भी खाया जा सकता है, इसको जैसे नारियल की तरह कच्चा भी खा सकते हैं इसको, लेकिन इसको कोई खाता नहीं है। इसका जो टेस्ट है वह नारियल जैसा ही है, ये सॉफ्ट है ये वाला। पावर अंदर बनाते हैं, हमारा खुद का पावर स्वामी हमारा जो फाइबर है उधर से हम जनरेट, तो अपना पावर खुद ही जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर। 3 मेगावाट पावर, तो ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट है। 3 मेगावाट पावर यहीं जनरेट करते हैं उसका, ये प्लांट है पावर प्लांट। पूरा प्रोसेस होके इस पूरे यूनिट में फिर लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो ये इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। फिर इसका कलर आदि ये सब ख़त्म करते हैं, थोड़ा टेस्ट भी और बेटर हो जाता है लोगों को, वैसे अच्छा ये तेल होता है। इसको हम बोलेंगे कि ये है वर्जिन ऑयल, अब माने नेचुरल ऑयल हो गया है। अब इस वर्जिन ऑयल को रिफाइंड करने के चक्कर में इसको पूरा इसका कलर अलग करते हैं, इसके जो है बाकी इसका टेस्ट को और रिफाइंड करने के लिए, सुगंध को, गंध को अच्छा करने के लिए, उसके लिए काफ़ी इसमें केमिकल्स का थोड़ा प्रोसेस होता है। इसलिए बोला जाता है सबसे अच्छा नेचुरल ऑयल है, उसके बाद फिजिकल रिफाइंड ऑयल है, फिर रिफाइंड ऑयल है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है, बहुत कम लोग 99% लोग नहीं जानते, जो वो तेल खाते हैं वो तेल निकाला कैसे जाता है, वो आपको पूरा प्रोसेस दिखाया। तो ये पूरा इट गोज फॉर फिश पॉन्ड एंड कैटल फीड। ओ ये कैटल फीड में चला जाता है, इसमें प्रोटीन काफ़ी होता है। हाँ काफ़ी होता है। ब्रेक होने के बाद में इस ऑयल से तो ये ज़्यादा क्लीन है। हाँ ये एज गुड एज फैक्चरेशन करें तो इसमें रिबन ऑयल जैसे चले जाएगा, जैसे कोकोनट ऑयल स्वामी जी। हाँ लेकिन कोकोनट थोड़ा वाइट होता है, बस वाइट कलर। हाँ कलर क्या क्रश हो करके तेल निकल गया, खल अलग हो गया उसका। पेद्दापुरम ईस्ट गोदावरी में काकीनाडा में जो रुचि का पाम प्लांटेशन का और उसका क्रेसिन का प्लांट है, ये देश का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्शन यूनिट है। और हमारा लक्ष्य है किसानों को ज़्यादा समृद्धि देना, देश को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए देश का बाहर जाता है एडिबल ऑयल में। जितना हम लोग डीजल पेट्रोल खरीदते हैं करीब उससे थोड़ा सा कम हम लोग एडिबल ऑयल बाहर से खरीदते हैं। तो पाम प्लांटेशन अभी करीब 2 लाख हेक्टर में है, यदि 20 लाख हेक्टर में हम इसको
10 टाइम्स कर देते हैं तो हमें मलेशिया पर इंडोनेशिया पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और इसी तरह से पाम प्लांटेशन के साथ साथ सनफ्लावर में और जो है सोयाबीन में भी, सोयाबीन में तो जस्ट डबल कर दे तो बाहर से एक बूंद भी तेल मंगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे अपने देश को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम पूरा एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। विद इन 5 ईयर्स हमारा देश तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रुचि देश का नंबर वन ब्रांड है पाम प्लांटेशन में भी और पाम ऑयल में भी। रुचि गोल्ड साउथ में तो सबसे बड़ा ब्रांड है। आया तब ऐसे आया, फिर वो कुक करने के बाद ऐसा हो गया, फिर ये दोनों अलग अलग, तेल अलग हो गया, इसको थोड़ा ड्राई करके यूज करे। ये पशु आहार बहुत अच्छा बनता है इसमें। कितना 14-15% इसके अंदर वो है प्रोटीन है, तो इसे दूध मिल्किंग के लिए बहुत अच्छा है ये भी और ये भी। इसमें तो 10% अभी ऑयल है, उसके बाद भी इसका जो बाकी केक बच जाएगा वो भी कैरेट से बिकता है। इसमें भी कितना प्रोटीन है? इसमें भी 14% तो इसका ऑयल, इसका तो ज़्यादा है, ऑयल है ना, ऑयल 10% है ना, इसमें 10% ऑयल इसका हो गया। ये इसका जो गिरी है ना, वो जो खा रहे थे ना, वो ऐसा है अंदर से नारियल जैसा। What you are studying? Agriculture BSc final. So you are seekhne ke liye aaye? ठीक है बच्चे, खुश हो। सर दिस रैंप वी कंस्ट्रक्टेड एंड वी प्रोवाइडेड ऑल इन ऑल इन वन ऑफिस, अकाउंट्स प्लांटेशन वर्क्स पूरा एक ही फ्लोर में स्वामी जी पूरा। प्लांटेशन हेड कौन है? ये नो पट्टाभिराम, वो प्लांट हेड रंगाराव बोल के ये नो ये दोनों प्लांट है। प्रणाम। क्या नाम? पट्टा रामरेड्डी रंगाराव। रंगाराव।